हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पियानो क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्रोमेटिक। क्रोमेटिक स्केल के बारे में हो सकता है बहुत लोगों ने सुना हो, या हो सकता है बहुत लोगों ने ना सुना हो, बट ये जरूरी है। तो जैसे आप लोगों ने मेजर स्केल माइनर स्केल के बारे में जरूर सुना होगा, तो जैसे और मैंने अपने ट्यूटोरियल में भी बता दिया है। तो आज ऐसे ही थोड़ा क्रोमेटिक स्केल का मैंने सोचा आपको बताया जाए, क्योंकि बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि उसमें वो थियोरेटिकल चीजें भी जानना चाह रहे हैं, जो थ्योरी है। तो ये थ्योरी भी हो गई और प्रैक्टिकली भी बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी, क्योंकि हमारी फिंगर एक्सरसाइज भी कहलाती है ये अच्छी, इससे हमारी फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी ओपन होती है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। समझ लो, आप अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको क्रोमेटिक स्केल प्ले करना है फ्रॉम सी, सी नोट से, मतलब आपको अगर क्रोमेटिक करना है तो ये सी नोट है हमारा, हम कैसे करेंगे? अब क्रोमेटिक का मतलब है सारे नोट्स यूज होते हैं, तो कैसे करेंगे? ये सी है, देखा आप रे, तो सारे नोट्स यूज हो रहे थे। देखो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये डी, ई फ्लैट, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी, सी तक आ गए। सी से शुरू कर रहा था, सी तक आ गए, ठीक है। तो क्या ये हमारा क्रोमेटिक स्केल है? समझ लो, जैसे मेजर स्केल अगर करते हैं हम, क्या करते हैं मेजर स्केल, क्या होता है सी से? ये सी मेजर स्केल था हमारा, माइनर में ही हो गया। तो माइनर ये हो गया हमारा, ऐसी क्रोमेटिक में हो गया। ठीक है, सारे नोट्स ये देखो, फिंगर पोजीशन देखो आप, ये राइट हैंड से जो मैं बता रहा हूं, आप समझ लो यहां से आप थंब से स्टार्ट कर रहे हो, करना क्या है आपको? थर्ड फिंगर, दोबारा ये थंब आ गया, ये थर्ड फिंगर, दोबारा थंब, फिर ये सेकंड फिंगर, फिर ये थर्ड, ठीक है, थम थर्ड, थम आ गया यहाँ पे, थर्ड आ गया, फिर दोबारा थम यहाँ पे, सेकंड, और बैक ऐसे आएंगे, पीछे भी ऐसे आना है, थर्ड थम, ओ सॉरी, यहाँ पे ये हमारे सेकंड आएगा, ये था ना थर्ड, तो यहाँ सेकंड आएगा, यहाँ थम, थर्ड तो ये हमारा क्रोमेटिक हो गया, जिसमें सारे नोट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो यही था, आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है हमारी फिंगर एक्सरसाइज अच्छी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर होती है हमारी इससे। तो क्योंकि इसमें सारे नोट्स यूज हो रहे हैं, तो हमारी एक, हमारे को जब जरूरत पड़ती है फास्ट प्ले करने का, या जब हमारा मन करता है कि क्रोमेटिक ऐड करते हैं जाओ हम, तो क्योंकि कई बार बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग के बीच में क्रोमेटिक प्ले करना, तो वो होता है बहुत फास्ट, तो उसके लिए ही एक्सरसाइज है। आप इसी तरीके से प्ले करो और धीरे धीरे आप ये डेली प्रैक्टिस करो, जैसे आप मेजर माइनर प्ले करते हो, इसको भी जरूरी है प्ले करना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, यही था आज का, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।